हेलो क्लास फोर स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट सात महान वैज्ञानिक की महान खोज आज हम कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर आपको आपकी बुक के पेज नंबर 39 पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर, साथ ही आपके ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर रीड करवा दिया जाएगा। आपके नोट्स का पेज नंबर 15 और 16 हम आपका चैप्टर कम्प्लीट करेंगे, और आपके हिंदी ग्रामर का पोर्शन जिसका पेज नंबर 30 और 31 हम कंप्लीट करेंगे। तो आप अपने नोट्स के ये पेजेस ले लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट सात महान वैज्ञानिक महान खोज की एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको पहले दिए हुए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला है विचार, यानी मन में उठने वाली बात। सहमना यानी डरना। सहमत राजी। आश्चर्य अचंभा। उत्सुकता प्रबल इच्छा। आग्रह अनुरोध। सौंदर्य सुंदरता। आकर्षण खिंचाव। अनुसंधान शोध या खोज। जिज्ञासा जानने की इच्छा। चेतना जीवनी शक्ति या जीवन। महत्वपूर्ण खास। भूरी भूरी बहुत बहुत। कीर्ति प्रसिद्धि। उत्कृष्ट श्रेष्ठ। धैर्य धीरज। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। ये शब्दार्थ आपको यहाँ दिए हुए हैं। इसके प्रश्न उत्तर आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपको दिया है, पेड़ पौधों की डालियाँ खुश क्यों लग रही थी। आपको यहाँ पर ये आंसर राइट करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। आपको यहाँ आंसर राइट कर भी कंप्लीट करना है। आपका पहला उत्तर यहाँ दिया हुआ है, पेड़ पौधों की डालियाँ खुश लग रही थी क्योंकि उनके आसपास की गंदगी साफ हो गई थी। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 बंगाल प्रांत के ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में हुआ था। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल प्रांत के ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में हुआ था। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया हुआ है, गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु ने किन किन गुणों का विकास हुआ था। तो यहाँ पर आपको उत्तर में राइट करना है, गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन करना, बगीचे में काम करना, जंगलों में घूमना, घुड़सवारी करना, जीव जंतु पालन आदि गुणों का विकास हुआ था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, बसु महोदय का 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो आपको उत्तर में यहाँ लिखना है, बसु महोदय का 1906 में वृक्षों में जीव है नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। यहाँ पर आपके चार प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे के प्रश्न आपको पेज नंबर 16 पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लंदन विश्वविद्यालय और भारत सरकार ने बसु महोदय को कौन सी उपाधियाँ प्रदान की। तो लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि और भारत सरकार ने सर की उपाधि उन्हें प्रदान की थी। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जगदीश चंद्र बसु के पूरे जीवन काल के बारे में बताया जाएगा, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनने बड़े होकर क्या क्या हासिल किया और उनका चरित्र सारी विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। तो आप ये अपना चैप्टर रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आपके लिए आसान हो जाएंगे। छठा प्रश्न आपको दिया हुआ है, बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएँ थीं। तो बसु महोदय के चरित्र की विशेषताएं अनेक थीं, उनमें प्रमुख अपार धैर्य, आपको अपार राइट करना है, अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता के बाद कौमा स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम आदि उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है,
राजेश ने बुआ जी के समक्ष क्या संकल्प लिया? राजेश ने बुआ जी के समक्ष यह संकल्प लिया, यहाँ तक तो आप क्वेश्चन में से राइट कर सकते हैं, फिर आपको आगे का राइट करना है कि मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ खाली स्थान में राइट करना है, आपके खाली स्थान दिए गए हैं जिनको आपको रफ कॉपी में राइट करना है, साथ ही में इनके उत्तर आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस में राइट करते हुए कंप्लीट करना है, जिसमें आपका पहला खाली स्थान है, रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश गया तो क्या गया? सहम। तो आपको यहाँ सहम लिखकर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह का अनुभव होता है, यानी किसका अनुभव होता है? तो आपको आंसर में राइट करना है सुख दुख। अगला, जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक पाठशाला में प्राप्त की, यानी एक ग्रामीण यानी गांव की पाठशाला में प्रारंभ की। अगला, जगदीश चंद्र बसु को से गहरा लगाव था, तो उन्हें किससे लगाव था? उन्हें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था, को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। अब उनका निधन हुआ था 23 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया। नीचे आपको इस चैप्टर के सही गलत दिए हुए हैं, आपको सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के आगे गलत लिखकर इसे कंप्लीट करना है, जिसमें आपका पहला वाक्य हो गया है आपको पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं हैं, तो ये है गलत, पेड़ पौधे हमारे मित्र जैसे होते हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, तो ये सही है या गलत? तो आपको यहाँ सही लिखकर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था, तो यहाँ पर आपको राइट करना है सही। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बसु ने महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिए, गलत, पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, सही। इसके साथ में आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, आपको ये चैप्टर नोट्स के साथ अपनी रफ कॉपी में राइट करते हुए भी लर्न करना है। नेक्स्ट, आपके हिंदी व्याकरण के पोर्शन के लिए आप पेज नंबर 30 और 31 पर आ जाइए, यहाँ पर आपको निबंध दिए हुए हैं, कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको ये अनुच्छेद राइट कर इन्हें लर्न करना है, ताकि जब एग्ज़ाम्स में आपको ये राइट करने के लिए आ सकें तो आप इजीली इन्हें राइट कर सकें। आपका पहला अनुच्छेद यहाँ दिया हुआ है प्रदूषण, तो आपको प्रदूषण पर अनुच्छेद दिया हुआ है, जिसे आपको राइट नोट्स में भी राइट करना है, साथ ही आपकी रफ कॉपी में 2-3 टाइम्स राइट करके लर्न भी करना है। इसमें पहला आपका सेंटेंस है, जिन कारणों से वातावरण एवं जीवन प्रभावित होता है उसे प्रदूषण कहते हैं, यानी कि जिन कारणों से वातावरण और हमारा जो जीवन है प्रभावित होता है, हानि पहुँचती है, यानी बुरा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण एक मानव निर्मित स्थिति है, यानी कि प्रदूषण किसके कारण होता है? इंसानों के कारण, मानव द्वारा होता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, उनमें से प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एंड मृदा प्रदूषण इत्यादि। फिर अगला आपको दिया हुआ है, प्रदूषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको एक ग राइट करना है, कम में मात्रा नहीं लगानी है। अगला आपको दिया हुआ है, गाड़ी मोटर कार एसी इत्यादि के इस्तेमाल से वायु प्रदूषित होता है, यानी कि गाड़ी मोटर एसी इनके इस्तेमाल से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। आपको यहाँ प्रदूषित की जगह प्रदूषित होती है राइट करना है, इस्तेमाल से वायु प्रदूषित होती है। कारखानों से निकलने वाले कूड़े करकट नदी में मिलने से जल प्रदूषित होता है, यानी कारखानों से जो भी कचरा निकलता है, हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, वो जब पानी में मिल जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। आजकल डीजे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोई कचरा कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए, ध्वनि हमें कम आवाज़ का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम लगानी चाहिए, ऐसे हमें अनेकों उपाय कर प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना चाहिए। हमें पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाने चाहिए, जिन कारणों से प्रदूषण होता है उस पर रोकथाम
होनी चाहिए। यहाँ पर अनुच्छेद की आपको 10 लाइनें दी गई हैं जिन्हें आपको राइट करते हुए लर्न करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 31 पर आपको पुस्तकालय पर अनुच्छेद दिया हुआ है। इसमें पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। तो यानी पुस्तकालय का अर्थ क्या हुआ? पुस्तकों का घर। अगला, पुस्तकालय में हर तरह की ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय में सारी किताबें उपलब्ध होती हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। पुस्तकालय के माध्यम से अत्यंत दुर्लभ पुस्तकों का ज्ञान भी अर्जित किया जा सकता है। निर्धन व्यक्ति या छात्रा छात्रें भी यहाँ महंगी पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। अब पुस्तकालय में अत्यंत दुर्लभ किताबें भी होती हैं, जो किताबें किसी के पास बहुत कम स्टॉक में होती हैं। इसी के साथ में वहाँ पर महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी किताबें भी होती हैं। कोई निर्धन व्यक्ति जो किताबें खरीद नहीं सकता, वो व्यक्ति भी वहाँ पुस्तकालय में जाकर वो किताबें पढ़कर उनका लाभ ले सकता है। पुस्तकालय में हमेशा अनुशासन का परिचय देना चाहिए। पुस्तकालय में हमेशा की पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, यानी कि बहुत शांति वहाँ पर होती है। हमें हमारे खाली समय में पुस्तकालय ज़रूर जाना चाहिए, यानी कि जब हम खाली होते हैं या हमारे पास समय होता है तो हमें हमारा खाली समय पुस्तकालय में बिताना चाहिए। वहाँ पर जो ज्ञानवर्धक किताबें होती हैं उनका पढ़कर हमें हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक का पृष्ठ या पेज हमें नहीं फाड़ना चाहिए। पुस्तकालय से ली गई पुस्तक को पढ़ने के बाद वापस पुस्तकालय में जमा करवाना चाहिए, यानी कि हम वहाँ से अगर कोई किताब पढ़ने के लिए लेते हैं तो हमें पढ़ने के बाद वो किताब को वहीं वापस जमा करवा देना चाहिए। किसी भी पुस्तक पर कुछ भी नया लिखें, यानी हमें वहाँ किताबों के ऊपर पेन से या पेंसिल से कुछ भी लिखकर उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। पुस्तकालय में शांति बनाकर रखनी चाहिए और साथ ही वहाँ पर सभी पढ़ने आते हैं और आप शांति में ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए हमें पुस्तकालय में शांति बनाकर रखना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपका पेज नंबर 31 कम्प्लीट होता है। आपको अनुच्छेद और वो चैप्टर रीड एंड राइट कर कम्प्लीट करना है।